स्टूडेंट्स वी आर बैक अगेन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर ओरिएंटेशन। हम लोग की ये जो कैंप में जो है ओरिएंटेशन हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये हम इसके बारे में पता करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ओरिएंटेशन डिस्कस करेंगे वो करेंगे जेड एक्सिस ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन देखिए किसी तीन तरह से हो सकती है। ओरिएंटेशन मतलब किस तरह से ऑब्जेक्ट को आपने रखा हुआ, ऑब्जेक्ट को आपने किस तरह से रखा हुआ ये होता है ओरिएंटेशन का मतलब। ओरिएंटेशन आपका एक्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है, y के रिस्पेक्ट में हो सकता है, इनफैक्ट z के रिस्पेक्ट में हो सकता है। ओरिएंटेशन इनफैक्ट आपका किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है और प्लेन के रिस्पेक्ट में भी ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये आपका ओरिएंटेशन के अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग z एक्सिस ओरिएंटेशन के बारे में। z एक्सिस ओरिएंटेशन, z एक्सिस ओरिएंटेशन क्या होती है ना, z एक्सिस ओरिएंटेशन किस तरह होती है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपकी मशीनिंग और मशीनिंग कंस्ट्रक्शन या मशीनिंग कंस्ट्रक्शन या मशीनिंग। आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह के यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह के इस्तेमाल होते हैं कि पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस ये जो है होल्डिंग पिक्चर अवे फ्रॉम होल्डिंग पिक्चर है। ठीक है, पॉजिटिव जेड एक्सिस है ना, तो ये अवे है होल्डिंग पिक्चर के। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए जेड एक्सिस ओरिएंटेशन, जेड एक्सिस ओरिएंटेशन में, जेड एक्सिस ओरिएंटेशन, जेड एक्सिस ओरिएंटेशन, ये जो आपकी जेड एक्सिस ओरिएंटेशन, इसमें मान लीजिए आपको ऑपरेशन करना है, आपको मशीनिंग का है ना, ऑपरेशन करना है आपको मशीनिंग का, फॉर मशीनिंग ऑपरेशन, फॉर मशीनिंग ऑपरेशन अपर सरफेस ऑफ द कंपोनेंट की, अपर सरफेस ऑफ कंपोनेंट ये किस तरह से जो है अपर सरफेस ऑफ कंपोनेंट की मशीनिंग को आप किस तरह से दिखाएंगे ये देख लीजिए। मान लीजिए आपका ब्लॉक है कोई, ठीक है, ये आपका क्या है, कोई ब्लॉक है। ठीक, ये इस तरह का कोई ब्लॉक है, और ये ऐसे करके ये, ठीक है, इसका अगर आपको अपर सरफेस का क्या है, मान लीजिए इसका जो है आपको अपर सरफेस का क्या ओरिएंटेशन करना है, इसका आपको जो है मशीनिंग करना है, तो इसमें देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस की किस तरह से ओरिएंटेशन होगी जो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ठीक है, मान के चलिए, तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है वो इस तरह से होगी, फिर इस तरह से y होगी। ठीक है, y एक्सिस और जो टॉप ऑफ द प्लेन होगी वो होगी z एक्सिस, ये इस तरह से होगी z एक्सिस। ठीक है, तो ये रहा आपका x y z एक्सिस का ओरिएंटेशन इन अ बिल्ड ब्लॉक। ठीक है, x y z एक्सिस ओरिएंटेशन
एन बिल्ड। अब हम लोग देख लेते हैं एक्स और जेड एक्सिस का ओरिएंटेशन बार का टर्निंग बार में देखते हैं, ठीक है, टर्निंग बार में उसको देखते हैं, ठीक है, टर्निंग बार में। पहले तो हम ये समझेंगे कि एक्स वाई जेड एक्सिस का ओरिएंटेशन किस तरह से होगा। देख लीजिए, ये आपका जेड एक्सिस का है, तो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, अपना कौन सा एक्स एंड वाई एक्सिस ओरिएंटेशन, एक्स और वाई एक्सिस का ओरिएंटेशन किस तरह से होगा, ये करेगा क्या? पहले तो ये कटर लोकेशन पर अफेक्ट करेगा, कटर लोकेशन, कटर लोकेशन गेट्स अफेक्टेड, ठीक है, कटर लोकेशन को हम लोग सी भी बोलते हैं, ठीक है, कटर लोकेशन डेटा फाइल, डेटा फाइल ये अफेक्ट होगी। और इसमें एक्स और वाई डायरेक्शन में आपकी जो मेन कट फीड होती है, मेन कट फीड मतलब फीडिंग मतलब जहां से कटिंग हो रही है, मेन कट फीड डायरेक्शन जहां से आपको ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, मशीन कर रहे हैं, है ना। तो ये जो मेन कट फीड इन मिलिंग, ये जो मेन फीड इन मिलिंग, ये कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ये कैसी होगी, ये कैसी होगी, पैरेलल टू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। तो ये देखिए, मान लीजिए ये है आपका ब्लॉक, ये आपका ब्लॉक, इस तरह से ये ब्लॉक है, उसके बाद इस तरह से ये ब्लॉक है। तो यहाँ पे जो है एक्स और जेड ओरिएंटेशन, एक्स एंड जेड ये किस तरह से होगा, ये देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन एक्स जेड एक्सिस में किस तरह से होगा, ये दिखा रहे हैं। एक्स और वाई एक्सिस की बात हो रही है ना हमारी, एक्स और वाई एक्सिस की, तो ये एक्स और वाई एक्सिस में होगा ना, ये देखिए ये एक्स और वाई एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस में ऐसे ओरिएंटेशन ले लो, और ये आपका एक्स एक्सिस। और इसी रिस्पेक्ट में आपको क्या दिखाएंगे, आप लोग दिखाएंगे कि हम हमारी जो फीड है, फीड आपका फीड होता है ये, देखो यहाँ जब कटिंग करने जाओगे ना, तो फीड, फीड जो यहाँ से जितना पोर्शन कट करोगे एक बार में, एक रेवोल्यूशन में, उसको कह देंगे ऐसे फीड, इतना जितना कट होगा, डेप्थ ऑफ कट ये होगा जो जितना ये काटेगा, डेप्थ ऑफ कट डीसी फीड ना, फीड ये जितना, फीड ये एक रेवोल्यूशन में कितना निकाल देगा ये फीड, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपकी जो है ओरिएंटेशन में कटिंग वगैरह अफेक्ट करेगा, ओके। तो अब हम लोग ये तो कर ही रहे थे, अब एक्स ओरिएंटेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा फिक्सचर के बारे में देख लेते हैं। हमने कटिंग वगैरह पढ़ ली और एक्सेस पढ़ ली, ओरिएंटेशन पढ़ लिया, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं फिक्सचर, कि वो फिक्सचर किस तरह से होगा, पिक्चर किस तरह से होगा जिस पे ये कटिंग कर रहे होंगे, ठीक है, वो अब हम लोग देख लेते हैं। सो सी, ये देखिए, मान लीजिए ये है आपका पिक्चर, ये फिक्चर, पहले तो फिक्चर का मतलब हम लोग समझे, ये क्या है, होती हैं, ये होती हैं पार्ट, पार्ट्स और असेंबलीज, असेंबलीज जो क्या काम करती हैं, होल्ड एंड ओरिएंट, होल्ड एंड ओरिएंट द वर्कपीस, होल्ड एंड ओरिएंट द वर्कपीस ड्यूरिंग अ मशीनिंग ऑपरेशन, मशीनिंग ऑपरेशंस। और ये जो फिक्स्चर्स हैं, जहां जहां मदद कर, जहां जहां मदद करे वहां लगाई जा सकती हैं, can be made when necessary, जहां मन करे वहां पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग इसकी तरह में आपने ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ी होंगी, अपने क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में सारी चीजें देखी होंगी पिक्चर्स डिस्क के बारे में, पर हम लोग अपने एक बार कैड के रिस्पेक्ट में इस चीज को देख लेते हैं कि कैड में हम इस चीज को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग जरा कैड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ओके, तो मान लीजिए मान के लीजिए ये देखिए आप टेबल है, ये मान लीजिए आपकी टेबल है, वर्क टेबल है, वर्क टेबल इसे आप लोग कहोगे टेबल। ठीक है, अब टेबल में आपको की फंसानी है तो की देखो किस तरह, ये आपकी टेबल है और इसमें जो है की फंसा। अब ये तो टेबल है और ये आपका ये ब्लॉक है, मतलब जो टेबल को आप नीचे होल्ड कर रखा है, तो टेबल देखिए इस पे किस तरह से होल्ड है, यहाँ इस टी स्लॉट्स में ऐसे करके टी स्लॉट्स बने हुए हैं। टी स्लॉट्स क्या करेंगे, इसको फॉर्मली जो है टेबल को होल्ड करेंगे, होल्ड रखेंगे फॉर्मली, समझ लो एक तरह से की ठोक रखी है। ये आपके क्या हो गए टी स्लॉट्स हो गए, ये फॉर्मली क्या करेगा होल्ड करे रहेगा उसको। ठीक, और ये इसका ही जो टेबल जो फंसी है ये आप देखेंगे इसके ऊपर एक ये इसी का स्ट्रक्चर इस तरह से भी बना हुआ है, ओके है ना। अब हमारा जो वर्कपीस है उसको हम लोग देखिए किस तरह से वर्कपीस लगा हुआ है। पहले मैं आपको इसमें पिंस दिखाता हूँ कि वर्कपीस पहले मैं बना लेता हूँ, पहले मैं आप लोग के लिए वर्कपीस बनाता हूँ। ये वर्कपीस ये वर्क पीस है। ओके, और वर्क पीस को इसमें जोड़ने के लिए जो पिंस हैं वो देखिए किस तरह से हैं, पिंस इस तरह से। यही एक्चुअली में पिक्चर्स है, जो वर्क है आपका वो तो लिमिटेड है। ठीक है, वर्क जो है वो तो आपका लिमिटेड है जहां पे आपको काम करना है, पर बाकी जो थे वो सारे पिक्चर्स हैं जो उसको क्या कर रहे हैं फॉर्मली होल्ड करेंगे क्वार्टर, और बाकी ये जो है ये आपका क्या है वर्क। ठीक है ना, ये आपका क्या है वर्क इस तरह से आपका क्या है वर्क। ओके, यहाँ पे आपका क्या है यहाँ पे असल में मशीनिंग यहाँ पे इस पोर्शन हेलो जस्ट वेट दिस इज कॉल्ड एज बाकी इसको छोड़ के जितना कुछ है यहाँ से देखिए यहाँ तक जितना भी कुछ ले लो, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ इसे अलग से प्योर कलर पेन है। ऑरेंज कलर के पेन से मैं मतलब ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज द ओनली पोर्शन वेर यू गॉट टू वर्क। यहाँ पे बस खाली इतने के लिए जो है काम हो रहा था, इतने के लिए ये यहाँ पे ये है एक्चुअल वर्क, यहाँ पे होना है ये जो वर्क मैंने अलग से निकाल दिया
ठीक है, और बाकी जो इसको छोड़ के जितना कुछ है, लिविंग दिस योर पिक्चर्स बोलोगे ना, तो लिविंग दिस एवरीथिंग इज अ पिक्चर, ठीक है, इसको छोड़ के जो कुछ भी है वो सारा क्या है, पिक्चर है। तो ये हमारा पार्ट खत्म हो गया पिक्चर से रिलेटेड। So if you have any doubt regarding this, you can just ask me. Okay, thank you.